मंगलवार को हाथरस में हुए कांड में सैकड़ों परिवारों ने अपनों को खो दिया। हाथरस कांड में मरने वाले लोगों की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हुआ है। मंगलवार को हाथरस पर सत्संग सभा के दौरान हुई भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। हाथरस कासगंज एटा अलीगढ़ से 21 डेड बॉडीज आगरा पोस्टमार्टम हाउस भेजी गई, जहाँ पर चार चार की शिफ्ट में 8 डॉक्टरों ने दिन रात इस सभी शवों का पोस्टमार्टम किया। इस पोस्टमार्टम में मरने वालों की मौत का कारण पता चला है। आगरा CMO अरुण कुमार ने बताया कि ज़्यादातर अनुयायियों की मौत हेड इंजरी, शॉकिंग हैमरेज, दम घुटने और पसली टूटने से हुई है। सभी के शरीर पर मिट्टी लगी हुई है। डेड बॉडीज देखकर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक हुआ होगा। एक के ऊपर एक कई लोग गिरे और ऑक्सीजन न मिलने से लोगों की दम घुटने से मौत हुई। कई महिलाओं की तो शरीर की पसली भी टूटी हुई मिली है। सर, जितनी भी पोस्टमार्टम हुआ है चेस्ट इंजरी विद ब्लड लीकेज, यानी कि छाती के अंदर ब्लड जमा होने के कारण उनको एसफिक्सिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और ज़्यादातर में ट्रॉमा चेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा वेट पड़ने पे या स्टम्पीड में जैसे होता है क्लासिकल साइन कि रिब का फ्रैक्चर होना, हेमरेज होना, वही पाया गया। सिंपल जैसे भगदड़ होती है स्टम्पीड में, अक्सर इसी तरह की फाइंडिंग पाती है। हेड इंजरीज भी आई है? हेड इंजरी नहीं मिली कोई भी। 21 आई हैं जिसमें सभी का पोस्टमार्टम हो गया। सर, कुछ ऐसे भी मामले सामने आए PM के दौरान किसी की दम घुटने से भी मौत हुई? शुरुआत में उस साथ में कुछ लोग का मड वड आ गया था, उसमें भी दम घुटने का आया है। वो बिल्कुल दम घुटने की भी 2-4 केसेस हैं उसमें। आगरा से हरी कांसर मां की रिपोर्ट।